मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हम पूजा के बर्तन को कैसे घर में आसानी से साफ कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सस्मिता किचन एंड घर घर आना। मैं बर्तन साफ करने के लिए जो पूजा के बर्तन है उसके लिए ली हूँ इमली। इमली को मैं भिगो दूंगी एक बर्तन में कुछ देर के लिए, जैसे कि आधा घंटा कि एक घंटा भिगो के मैं रख दूंगी। देखिए ये भीग गया है, अभी ये पूरा सॉफ्ट हो गया है। मैं इसे अच्छे से मसल दूंगी, जैसे का उसका पूरा जूस आ जाए उस पानी में। अभी उसको मैं और एक बर्तन बिठा दी हूँ चूल्हे पे, और उसके उसमें पानी ले ली थी, सादा पानी ऐसे ही नॉर्मल वाटर में ले ली थी, और उसमें इमली का पानी मैं मिला दी। अभी जो बर्तन हमें साफ़ करना है, देखिए काला हो गया है, मैं साफ़ करूँगी इसीलिए, कल साफ़ नहीं की थी तो थोड़ा काला काला दिख रहा है, तो इसी को आज अभी मैं उसी पानी में डालूँगी एक एक करके। तो देखिए पानी गर्म होने को आया, अभी इसमें मैं एक एक करके सब बर्तन को उसमें डाल दूंगी, जैसे दीपक लोटा और जो भी आपके पूजा का सामान है घर में सबको डाल दीजिए। इमली से तो बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है, ऐसे आप खाली इमली लेके भी घिस देंगे तो साफ़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा गंदा हो तो आप इस टाइप का करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैं दो प्रकार का टिप दूंगी कैसे हम साफ करेंगे, और एक प्रकार का भी बोलूंगी जिससे कि हमारा डेली यूज जो होता है, डेली हम लोग साफ़ करते हैं तो उससे करने से आपको आसानी होगा। तो देखिए मैं इसमें डुबा दी हूँ सारे बर्तनों को अच्छे से, कुछ देर के लिए उसमें छोड़ दूंगी, थोड़ा सा वो मैला जितना है उसमें थोड़ा निकल के आने लगेगा। देखिए इसको उल्टा भी कर दीजिएगा, नहीं तो एक साइड ही साफ़ होगा और एक साइड वैसे ही रह जाएगा, तो इसीलिए इधर उधर मैं कर रही हूँ क्योंकि गर्म है, थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। देखिए ये गर्म पूरा होने लगा, देखिए उबल रहा है पूरा अच्छे से। अभी मैं एक एक करके सब बर्तन निकाल दूंगी चिमटा से, तो थोड़ा सा देख के ध्यान से, पानी बहुत गर्म है अगर गिरेगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो ध्यान से कीजिएगा। एक एक करके सब बर्तनों को मैं निकाल दूंगी। छोटे छोटे बर्तन हैं तो पानी के अंदर घुस गए हैं, दिख नहीं पता नहीं चल रहा है, तो मैं सबको एक एक करके निकाल रही हूँ। अभी इसको मैं सब निकाल देने के बाद इसको सब थोड़ा सा पानी ले लूँगी और इसको साफ़ करूँगी, तो ऐसे ही नॉर्मल वाटर ले लूँगी, और इसमें थोड़ा सा मैं जो कोई भी आप लिक्विड जेल हो थोड़ा सा लेके, ये मेरा पूजा वाला बर्तन साफ़ करने का जाली है, मैं इसी से साफ़ कर रही हूँ, तो इसी को मैं घिस दे रही हूँ। और बर्तन में साफ़ पानी ली हूँ तो आपको घिस के दिखा रही हूँ, देखिए काफ़ी साफ़ हो गया है, और थोड़ा थोड़ा जो भी है इससे मैं साफ़ कर लूँगी और बर्तन बहुत चमकने लगेंगे, अच्छा लगता है पूजा के बर्तन साफ़ सुथरे रहें तो, और गंदा रहता है तो ख़राब लगता है। पूजा का बर्तन अच्छे लगने से, साफ़ लगने से देखिए कितना साफ़ हो गया है। और अभी मैं इसे सबको पोंछ दूँगी अच्छे से, कि मैं सबको एक एक करके पोंछ दूँ अच्छे से, और इसे नहीं पोंछने से इसमें काला फिर पड़ जाएगा क्योंकि ये पीतल का है, पीतल में थोड़ा सा पानी रहता है तो वो काला पड़ जाता है, तो अच्छे से ड्राई करके सुखा के मैं रखूँगी। देखिए मैं सबको पोंछ ली हूँ, अभी ये लोटा भी मैं साफ़ कर दी थी,
बाद में मैं डाल दी थी इसे भी पानी में और ये भी साफ़ हो गया है। मैं इस सबको अच्छे से पोंछ ली हूँ। अभी देखिए ये और दो थाली है जिसे मैं नॉर्मल ऐसे ही हम रोज़ जैसे साफ़ करते हैं वैसे ही साफ़ करके आपको दिखाऊंगी। ये सिर्फ मैं ले रही हूँ नींबू और नमक, इसी दोनों से मैं साफ़ करूँगी। देखिएगा लेकिन इतना आसानी से इतने अच्छे से ये साफ़ हो। तो आइए देखते हैं, मैं इसमें ले रही हूँ नींबू एक और सॉल्ट नमक। तो नमक ऐसे 2 चम्मच लेना है और आप देखिएगा इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, पूरा चमकने लगता है पीतल। तो आप रोज़ ऐसे ही आप अगर नींबू का छिलका भी रखे होंगे निचोड़ने के बाद उसे भी यूज कीजिएगा तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है उससे भी। ये एक सबसे आसान और अच्छा टिप है जो कि हमारे की पीतल के बर्तनों को साफ़ करने में काम में आता है। तो देखिए मैं ये आधा नींबू इसमें मैं नमक लगा के इस वाले प्लेट को साफ़ कर रही हूँ। हम लोग रोज़ रोज़ इसमें प्रसाद चढ़ाते हैं, धोते हैं और ये करते हैं तो थोड़ा सा ये काला पड़ जाता है और इसे अच्छे से साफ़ करने से बहुत चमकता है, अच्छा लगता है। पूजा का सामान अगर चमके तो इसीलिए मैं देखिए ये आप ऐसे ही रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा भी साफ़ करेंगे तो आपका पूरा चमकने लगेगा और आपको इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। देखिए वही नींबू में पूरा नमक लेके चारों तरफ अच्छे से घिस रही हूँ, अच्छे से घिसना है जी, अंदर अंदर जो उसमें मेला जम गया है उसे अच्छे से साफ घिस के साफ करना है। देखिए ये बहुत अच्छे से साफ हो जाता है इससे। यही एक नींबू से मैं दोनों प्लेट को ही साफ कर लूँगी और एक नींबू नहीं लेना पड़ेगा, उसी से ही मैं इस प्लेट को भी साफ कर रही हूँ। आप देखिए इससे भी ये साफ हो जाएगा, पूरा चमकने लगेगा। हमें रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा गंदा ना हो, और ज़्यादा गंदा हो जाता है तो थोड़ा साफ़ करने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है। लेकिन ऐसे ही हम नींबू से रोज़ थोड़ा सा घिस देंगे, अगर नींबू निचोड़ने के बाद आप रख दें वो छिलका को और उसी से आप साफ़ कर दें तो पूरा साफ़ हो जाएगा। देखिए पीछे तरफ भी मैं साफ़ कर रही हूँ, देखिए पूरे पीछे भी वो जो डिजाइन है उसमें अंदर काला काला हो गया है उसको भी मैं घिस रही हूँ। और ऐसे ही पूरा अच्छे से इसको घिस के साफ करना है। एक ही नींबू से, एक ही नहीं आधा नींबू से पूरा साफ हो गया। आपका और भी बर्तन हो तो इसी से भी साफ कर लीजिएगा, पूरा साफ हो जाएगा। अभी देखिए मैं पानी ला के इसको धो के आपको दिखा रही हूँ। देखिए दोनों को मैं घिस दी हूँ, अभी मैं एक बर्तन में पानी ला के आपको धो के दिखा रही हूँ कितना अच्छा साफ़ हो गया है, बस खाली नींबू और नमक से। देखिए इसको मैं धो के दिखा रही हूँ, पीछे तरफ भी देखिए कितना काला था और साफ़ हो गया। आप लोगों का अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक दे दीजिएगा, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के ऊपर या कोई भी आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बोलिएगा। देखिए मैं इसे धो दी हूँ, साफ़ हो गया है। अभी देखिए मैं सब बर्तन धो के सुखाई नहीं हूँ, ऐसे ही धो के आपको दिखा रही हूँ। तो ये सब साफ़ हो गया है अच्छे से और इस सब को ऐसे ही अच्छे से साफ़ करके रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारे पूजा का सामान है तो थोड़ा साफ़ सुथरा और सुंदर रहेगा तो बहुत ही मन को शांति मिलती है। तो देखिए और मेरे वीडियो में आप कमेंट पे बोलिएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा। थैंक यू।